व्यूवर्स, आज हम आपको यूनियंस पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने स्ट्रक्चर बताया था, उसी से थोड़ा सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यूनियन। अ यूनियन इज अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज टू स्टोर अ डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम लोकेशन। चाहे कि कितने भी डेटा टाइप होगा, लेकिन जिसका मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सारे डेटा को एक ही जगह पर एक ही बफर में स्टोर करता है। और जो सबसे बाद में यूज होता है डेटा, उसको पहले एक्सेस करता है। ये समझ लीजिए कि जैसे स्टैक में जो सबसे बाद में वैल्यू जाती है उसी को पहले वो एक्सेस करता है। यू कैन डिफाइन अ यूनियन विथ मैनी मेम्बर्स बट ओनली वन मेम्बर कैन कंटेन अ वैल्यू इन अ गिवन टाइम। एक बार में एक ही मेम्बर जो होता है वो एक्सेस किया जा सकता है। यूनियन प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस। यूनियन आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन ऑल रेस्पेक्ट बट डिफर इन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस। द स्पेस एलोकेटेड इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डेटा मेम्बर ऑफ यूनियन एंड स्टोर ऑल मेम्बर इन द सेम स्टोरेज स्पेस means stores its member top of each other. Hence, the member which has been updated last is available at any given time. Trying to access previously stored value will result erroneous output. और अगर आप कोशिश करते हैं कि last में जो data गया है उसके अलावा वो पहले वाले data को access कीजिए तो वो error दे देगा। मतलब एक बार में एक ही डेटा को आप एक ही डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं जो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है। अगर दूसरे डेटा को आप यूज़ करते हैं तो उसका आउटपुट में एरर आती है। डिफाइनिंग अ यूनियन, टू डिफाइन अ यूनियन यू मस्ट यूज अ यूनियन स्टेटमेंट इन द सेम वे एज यू डिड इन व्हाइल डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। द यूनियन स्टेटमेंट डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप विच मोर देन वन मेंबर For your program, the format of union statement is as follows. अब union कैसे define करते हैं? सबसे पहले हम जहाँ पे structure लिखते थे, वहाँ पे union tag लिखेंगे, union tag लिखेंगे, member definition देंगे और instance बनाएंगे, जैसे structure में बनाते थे। The union tag is optional and each member define it. A normal variable definition, जैसे और variable define करते हैं तो वैसे ही structure में वैसे ही इसमें भी define करेंगे, जैसे int, float और any other valid variable definition. At the end of the union definition, before the final semicolon, you can specify one or more union variable, but it is optional. अब इसमें आप देखिए ढेर सारे मेंबर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में मेंबर डिफाइन करिएगा वही मेंबर आपका एक्सेस किया जा सकेगा, अदरवाइज एरर लेगा। देयर इज अ वे यू वुड डिफाइन अ यूनियन टाइप नेम डेटा हैविंग थ्री मेंबर। अब आपके पास तीन मेंबर्स हैं, इसमें पहला इंट है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा करेक्टर। दो द करेक्टर बाइट्स आर वन फॉर वन करेक्टर, बट हियर वी हैव डिफाइंड द एसटीआर 20। तो करेक्टर का 20 करेक्टर लेगा, फ्लोट का 8 लेगा और इंट का 2 बाइट लेता है, जैसा कि हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं। दैट मींस कि यूनियन में करेक्टर जो स्टोर हो रहा है उसकी बाइट के हिसाब से और डेटा स्टोर होगा। तो मैक्सिमम साइज जो यूनियन डेटा की होगी वो क्या होगी, 20 करेक्टर होगी। अब नाउ अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप कैन स्टोर एन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग करेक्टर। इट मीन सिंगल वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन कैन बी यूज टू स्टोर अ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। यू कैन यूज एनी बिल्ट इन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनसाइड यूनियन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। और हम कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। The memory occupied by union will be large enough to hold the largest number of the union. तो जो हमारी memory occupy होती है वो largest number के memory के हिसाब से होती है, तो यहाँ पे 20 byte ले लेगा क्योंकि हमने string को 20 byte define किया है। Include studio.h।
string dot h, union data int I, float f, character str 20. अब हम जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा, तो क्या करेगा वो, ये डेटा हमने डिफाइन किया ना, डेटा एक हमारा यूनियन का नाम था और ये हमारा इंस्टेंस बना, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा इज 20 दे देगा हमारा। दैट मीन्स कि जो यूनियन डिफाइन हुआ है वो 20 करेक्टर की साइज का है। अब इनिशियलाइज हम कैसे डेटा को कर सकते हैं, हमने दिया यूनियन डेटा टैग बनाया, उसमें हम डेट को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम कंप्लीट डेट भी डाल सकते हैं और पार्ट ऑफ द डेट भी स्टोर कर सकते हैं। तो पहला करेक्टर मंथ 2 है, ब्रेक वैल्यू 1 है, डेट 2 है, ब्रेक वैल्यू 2 है, ईयर है। अब ब्रेक वैल्यू क्या है, स्लैश के लिए यूज हो रहा, और मंथ डे और ईयर जो है वो डेट मंथ डेट और ईयर के डिजिट्स के लिए यूज हो रहा है। लेकिन हमने सबको करेक्टर फॉर्म में क्यों किया है, क्योंकि हमें टोटल डेट जो दिखानी है उसमें स्लैश भी दिखाना है, तो स्लैश हमारा करेक्टर टाइप है, इसलिए सब करेक्टर टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो मंथ में 01 और डे में 01 और ईयर में 21 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। एसेसिंग यूनियन मेंबर, अब यूनियन मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग लगाते थे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग लगाते थे डॉट ऑपरेटर, इट कुड एज अ पीरियड बिटवीन द यूनियन वेरिएबल एंड यूनियन मेंबर। अब वेरिएबल और मेंबर के बीच में लगेगा, कैसे लगेगा, हमने डेटा फिर से डिफाइन किया और उसकी वैल्यू डाली, उसकी वैल्यू डाली डेटा आई, आई इंटीजर टाइप है, डेट डेटा आई लिया, डेटा इंस्टेंस 10 हो गया, डेटा एफ लिया और एसटीआर सीपीआई, हमने बताया था कि जब कोई वेरिएबल पहले से डिफाइन रहता है तो उसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में डालने के लिए एसटीआर सीपीआई कॉपी करते हैं और डेटा एसटीआर में हमारा सी प्रोग्रामिंग आ जाएगा। अब हमने इसको प्रिंट किया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा, वो एरर ले लेगा, क्यों, क्योंकि हम तीनों डेटा एक साथ प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें एरर लेगा और डेटा को कैसे प्रिंट कर देगा, ये देखिए कुछ भी नंबर दे देगा आपका और सी प्रोग्रामिंग को बस सही प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में वही आया और उसकी मेमोरी 20 करेक्टर बाइट। हियर वी कैन सी दैट वैल्यू ऑफ आई एंड एफ मेंबर ऑफ यूनियन गॉट करप्टेड बिकॉज द फाइनल वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल has occupied the memory location and this is the reason that the value of str member is getting printed very well. So, आपका structure जो str है वो तो ठीक print होगा, लेकिन ये दोनों गलत print होगा, तो फिर कैसे print करें कि सही print हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, include studio.h, string.h, data लिया, int float लिया, लेकिन अब की क्या करेंगे, हम लोग इनिशलाइज करते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे, इनिशलाइज करते जाएंगे और प्रिंट करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वैल्यू सही सही प्रिंट हो जाएगी। हियर ऑल द मेंबर्स आर गेटिंग प्रिंटेड वेरी वेल बिकॉज वन मेंबर इज बीइंग यूज एट अ टाइम, क्योंकि एक ही मेंबर एक बार में यूज हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर और यूनियन में, स्ट्रक्चर यू कैन यूज अ स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर और यूनियन में यूनियन कीवर्ड यू डिफाइन करने के लिए यूज होता है। एवरी मेंबर विद इन स्ट्रक्चर इज असाइंड अ यूनिक मेमोरी लोकेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन सब मेंबर के लिए होती है। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा मेंबर विल नॉट अफेक्ट द डेटा मेंबर इन स्ट्रक्चर, एक की वैल्यू चेंज करने पर दूसरा मेंबर डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें अगर Changing the value of one data member will change the value of other data member, जो आपने अभी देखा कि ऊपर केवल last वाला सही print हो रहा था। It enables you to initialize several member at once. It enables you to initialize only first member of the union. तो उसमें केवल एक ही member initialize होगा और इसमें सारे member एक साथ initialize हो जाएंगे। The total size of the structure is the sum of the size of every data member. अब इसकी size जो होती है सारे member के data के structure के जितनी byte store होती है उसके बराबर होती है, और इसमें जो maximum size वाला member होता है उसके बराबर size होती है। It is
mainly used for storing various data type, or it mainly used for storing one of the many data type that are available. कई data type तो store करता है, लेकिन जिसकी size maximum होती है वही लेता है. It occupies a space for each and every member written in inner parameter. It occupies a space for member having the highest size written in the inner parameter, जो हमने आपको बताया. ये questions आते हेंगे आपको interview में भी, पूछते हैं वो लोग कि क्यों union और structure में क्या difference और क्यों इसको हम कब कहाँ use करते हैं. You can retrieve any member at a time. You can assess one member at a time in the union, और जो last में use हुआ रहता है. It support flexible array. It does not support flexible array. इसमें array यूज हो सकती है, इसमें array नहीं यूज हो सकती है. तो इसका benefit क्या है और loss क्या है. Advantage of structure क्या है. Structure gather more than one pieces of data about the same subject together in the same place. It is helpful when you want to gather the data of similar data type and parameter like first name, last name. अब उसमें अगर bifurcate करना चाह रहे हैं आप data को, तो union में नहीं कर पाइएगा, structure में कर लीजिएगा. It is a very easy to maintain as we can represent the whole record by using a single name. अब केवल एक हमने कहा डेट और स्टूडेंट और उसके सारे डेटा को हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं एक साथ. इन स्ट्रक्चर वी कैन पास कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड टू एनी फंक्शन यूजिंग अ सिंगल पैरामीटर. यू कैन यूज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू स्टोर मोर रिकॉर्ड विद सिमिलर टाइप. और एक स्टूडेंट के अलावा ढेर सारे स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर कर लेंगे और उसकी एरे को पास करके हम ज़्यादा अच्छी से प्रोसेसिंग कर पाएंगे. जबकि यूनियन में हम एक बार में एक ही मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, तो उसको डेटा को हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे. एडवांटेज ऑफ यूनियन, इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू स्ट्रक्चर. क्यों लेस मेमोरी करता है? क्योंकि सारे डेटा मेंबर्स जो होते हैं वो एक ही जगह स्टोर होते हैं, तो मेमोरी कम लगती है. व्हेन यू और उसमें हर मेंबर के लिए अलग डेटा स्टोरेज होता है. व्हेन यू यूज अ यूनियन, ओनली द लास्ट वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली एक्सेस. यूनियन इज यूज व्हेन यू हैव टू यूज द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर टू और मोर डेटा मेंबर्स. इट अनेबल यू टू होल्ड द डेटा ऑफ ओनली वन डेटा मेंबर. इट एलोकेट स्पेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा मेंबर. तो ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता चुके हैं कि जितने मेंबर होते हैं उसमें जिसकी साइज सबसे बड़ी होती है उसके हिसाब से वो मेमोरी लेता है और सारे मेंबर्स को एक ही बफर में एक ही डेटा स्पेस पे स्टोर करता है और एक बार में एक ही मेंबर को हम एक्सेस कर पाते हैं. ये सब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो स्पेसिफिक जगह पे ये यूज होता है, जैसे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड एसक्यूएल में जब होता है तो यूनियन अगर हम यूज करते हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएगा. डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर, इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी प्रोजेक्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट it become hard to manage. Change of one data structure in a code necessitates change at many other places. Therefore, the changes become hard to track. Structure is slower because it requires storage space for all data. You can retrieve any member at a time in a structure where you can assess one member at a time in the union. अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होती है. इसमें मेमोरी ज़्यादा लगती है और अगर कहीं एक जगह आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया तो पूरे प्रोग्राम में वो चेंज होगा और फिर उसको टैकल करना अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो मुश्किल हो जाएगा. और यूनियन में जो होता है वो एक बार में एक ही मेंबर रिट्रीव होता है, इसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है. स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज स्पेस फॉर ईच एंड एवरी मेंबर रिटन इन द इनर पैरामीटर, व्हाइल यूनियन ऑक्यूपाइज स्पेस फॉर मेंबर हैविंग द हाईएस्ट साइज रिटन इन inner parameter. Structure support flexible array, union does not support flexible array. जो अभी आपको हमने difference बताया, तो array use कर लेने से क्या होगा कि same data structure को हम multiple लोगों के लिए use कर सकते हैं, जबकि union में ऐसा नहीं कर सकते हैं. Disadvantage of union, here you can use only one union member at a time. All the union variable cannot be initialized or used with varying value at a time. यूनियन असाइन वन कॉमन स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर. तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं और वो बता रहा है कि
यूनियन जो है स्पेसिफिक पेज पे ही यूज हो सकता है, और स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा वाइडली यूज हो सकता है बड़े डेटा के लिए, और एक्सेसिंग भी सारे डेटा के फील्ड्स को हम इजीली एरे कई यूज करके कर सकते हैं, जबकि यूनियन में नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, देन प्लीज कमेंट हाउ यू लाइक दिस वीडियो. Is it helpful to you or not? And please ask your question in a comment and share and subscribe my channel. Please watch the video and tell me how it is. Follow my all social media link, go to the community and join my Telegram channel TechRatan. All the links are given in my description. Thank you. And the different playlists are there in the community. You can choose the video according to your requirement from the community. Thank you.